हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो राजस्थान के पाली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बिहार से आ रही है, बहुत बड़ी खबर। इसमें हम कह रहे हैं कि अब की बार विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का होगा। बीजेपी के सीनियर नेता नंदकिशोर यादव का स्पीकर बनने का फैसला तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमें यह जानकारी मिल रही है, नंदकिशोर यादव पटना से साल 1995 से लगातार विधायक चुने गए, सातवीं बार वो इस बार जीत दर्ज कर चुके हैं। रिकॉर्ड मतों से पटना साहिब सीट से उनका लगातार विधानसभा पहुंचना इस बात की तस्दीक करता है कि वो एक बड़े नेता हैं। और नई विधानसभा में बीजेपी का होगा स्पीकर, यह सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, विधानसभा के अंदर स्पीकर का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो भी तब जब हर लिहाज से ये एनडीए पिछली एनडीए की सरकारों से अलहदा होगा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव। यही राजभवन के अंदर का वो हिस्सा है जहां 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। तैयारियां लगभग पूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर खास तौर पर ध्यान रखा गया है। आप देखें तो कुर्सियों के बीच 2 गज की दूरी है और मंच के ऊपर भी ज्यादा कुर्सियां नहीं लगी हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर साफ तौर पर कोरोना का असर यहां पर कोरोना प्रोटोकॉल के जरिए आप समझ सकते हैं। नीतिश्री हमारे साथ जुड़ी हुई है, नीतिश्री के पास ले चलते हैं। नीतिश्री, एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं इस बार, और जो तस्वीर बता रही है हमें वो ये कि बहुत भव्य कार्यक्रम नहीं होने वाला है, 2 गज की दूरी हर कुर्सी के बीच। जी बिल्कुल, इस बार बहुत भव्य कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन बड़े चेहरे जो है वो इस बार दिखाई देंगे। और कुछ देर पहले ही हम बता रहे थे कि क्या कुछ संभावित चेहरे हैं वो इस बार शामिल होंगे, और हमने नंदकिशोर यादव से बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने मना कर दिया है कैमरे पर। लेकिन जो संभावित चेहरे हैं उनके तो हमने जिक्र कर ही दिया कि किस तरीके से जेडीयू में कौन से 5 मंत्री जो है वो इस बार शामिल होंगे, आज शपथ लेंगे बतौर मंत्री। लेकिन नंदकिशोर यादव एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, और पिछली सरकार में सड़क निर्माण मंत्री रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, बहुत हद तक आज शाम वो शपथ लेंगे। और नहीं, मैं बता दूं कि स्पीकर बनेंगे, और पिछली बार की बात करूं तो जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी जो है वो स्पीकर थे। इस बार विजय चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही, तो ये शफल कर दिया गया है। इस बार मंत्रिमंडल में नंदकिशोर यादव शामिल नहीं होंगे और स्पीकर बन सकते, यानी कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम और इसके अलावा स्पीकर। और कल जब देर शाम सीएम हाउस पर बैठक हुई, क्योंकि एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस और तमाम जो बड़े चेहरे, जो बड़े नेता है बीजेपी के, दिल्ली से आए थे यहाँ पर, उन्होंने एक बार फिर बैठक की देर शाम सीएम हाउस पर, और तभी यह स्पष्ट हो गया था कि संभावित चेहरों में कौन कौन होंगे जो बीजेपी की तरफ से होंगे, और इसमें से एक इनका नाम है। बिल्कुल, लगातार आप बने रहिए इस बड़ी खबर पर। पंकज झा हमारे साथ बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। नंदकिशोर यादव का नाम अब सबसे आगे पंकज चल रहा है, जातीय समीकरणों को भी ध्यान रखा गया पार्टी द्वारा, और विधानसभा में उनके अनुभव को, सातवीं बार लगातार जीतते आए हैं। देखिए, नंदकिशोर यादव एक बहुत बड़ा नाम है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सालों तक मंत्री रहे वो, और सुशील मोदी बहुत सीनियर नेता है। सुशील मोदी जो देखिए पोस्टर में तो दिख रहे हैं जगह जगह जब चुनाव से पहले हैं, लेकिन सुशील मोदी कल से ही इस तमाम गतिविधियों से गायब है। हम बीजेपी ऑफिस में हैं और नंदकिशोर यादव ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि विधानसभा अध्यक्ष उन्हें बनाया जा रहा है। और विधानसभा अध्यक्ष का पद क्यों जरूरी हो जाता है इसको समझिए कि जब ये जो विधानसभा होगी, किसी पार्टी में तोड़फोड़ होती है, दल बदल होता है, तो बहुत सारे फैसले लेने का अधिकार जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास हो जाता है। और इसीलिए इस बार पहली बार कह लीजिए कि जेडीयू और बीजेपी के इस गठबंधन में विधानसभा अध्यक्ष मिल रहा है। यही नहीं, 2 डिप्टी सीएम, अब तक सुशील मोदी 15 साल तक 1 डिप्टी सीएम थे, इस बार 2 डिप्टी सीएम मिल रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल हो गया है। अभी पार्टी दफ्तर के अंदर कुछ देर पहले भूपेंद्र यादव और पहले जो डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, वो दोनों नीतीश कुमार से मिलने के बाद यहां लौटे हैं, और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में आधिकारिक तौर पर बीजेपी कोटे के जितने भी मंत्री हैं उनके नामों का खुलासा कर दिया जाएगा। हालांकि उन नामों की पहले से चर्चा हो रही है कि एक ब्राह्मण समाज से होंगे, एक भूमिहार समाज से होंगे, एक पासवान समाज से होंगे। बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए इस बार, क्योंकि इस बार वो बिग ब्रदर के रोल में है, और इसीलिए इस बार एक नहीं, 2 डिप्टी सीएम, और जिस तरीके से मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे के मंत्रियों का चेहरा होगा, वो सामाजिक आधार ये बताएगा कि आने वाले दिनों में
बीजेपी की राजनीति किस तरीके से होगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा जरूर होंगे, लेकिन इसके अलावा मंत्रिमंडल में धमक होगी, दबदबा होगा बीजेपी के नेताओं का। पार्टी दफ्तर के अंदर में देवेंद्र फडणवीस हैं, भूपेंद्र यादव हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर अमित शाह, जेपी नड्डा और वीएल संतोष भी यहीं आएंगे। आज एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, हिंदी पट्टी के एक इलाके में बीजेपी बिग ब्रदर होते हुए सरकार बना रही है नीतीश कुमार के साथ। पंकज, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप बता रहे कि किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं वो नाम आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से। रूबिका लगातार हमारे साथ मौजूद है, रूबिका लियाकत राजभवन के बाहर मौजूद है। राजभवन के अंदर की तस्वीर अभी हमने रूबिका दर्शकों को दिखाई थी। निधि और पंकज जो बात बोल रहे थे नंदकिशोर यादव को लेकर, चाहे वो बीजेपी के अंदर हो या फिर विधानसभा के अंदर हो, स्थिति यह है कि बीजेपी ने अपने बिहार के अंदर के अगले आने वाले पॉलिटिक्स के चैप्टर की वानगी रख दी है सबके सामने। एब्सोल्युटली करेक्ट, जो आपने आकलन किया है वो बिल्कुल सही आकलन है। देखिए, ये ना 10 साल आगे का प्लान बीजेपी ने सोचा, और इसीलिए आज की तारीख में आप देख रही है कि बीजेपी बड़का भैया 74 सीट के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जेडीयू जिसके बगैर वो कभी चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकती थी, जब लड़ी तो 53 पर सिमट गई थी। अभी जो है आप देखिए वो इस बड़ी भूमिका में है, और फिर अगर दो डेप्यूटी सीएम वो पिछड़े जात से ताल्लुक रखने वालों को बना देती है, तो आप ये बात समझ जाइए कि फिर जो वोट बैंक है उसको थोड़ा फैलाना, उसका होराइजन बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर होगी। हमारे साथ यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के जो डुप्लीकेट है वो घूम रहे हैं। आज हो सकता था कि तेजस्वी यादव वहां अंदर जाते, वो शपथ ग्रहण करते, लेकिन वो तो दिल्ली में घूम रहे हैं। आरजेडी वालों ने तो बहिष्कार कर दिया है। अरे, जनादेश का सम्मान तो होगा ना लालू जी? बिल्कुल, जनादेश का सम्मान होगा, और पूरा बिहार के तमाम लोग जो है इनको टोपी पहनाने का काम करेंगे। पूरा जनता में अकलाहट है, बखलाहट है कि भाई क्या बोल के आया था, क्या बोला था, और चोर दरवाजे से पीछे से जा करके ये लोग बनाने का काम किया, दोबारा चोरी किया। चोरी कैसे किया? अभी तो जनादेश आया ना भाई। कहाँ जनादेश आया, 25 सीट ऐसा था जिस पर ये लोग बकोटा बकोटी करके और जबरन हराने का काम किया। तो आप लोग कोर्ट जाइएगा? कोर्ट गए हैं, अब कोर्ट न्यायालय मेन संविधान है, और मेन है जनता, जनता के बीच में हम लोग जा करके नीतीश जी को बताने का और मोदी जी को काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव आते तो सही, अतिथि के तौर पर आते, एक आप भाई नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब उनको आगे बढ़ना है तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, सरकार के कामकाज को देखना नहीं चाहिए था, दूर से ही सही देख ले। नीतीश जी बुलाएंगे तब ना आएंगे, या नहीं बुलाएंगे तब पतलवा दिखाइएगा तब ना, बिना निमंत्रण के कैसे आदमी चल जाएगा। तो दिल्ली ही चले गए? दिल्ली चल गए, दिल्ली से कितना मिनट में आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे फ्लाइट से। तो ये जो सरकार है जानबूझ के जनता के प्रति, ये जनता के प्रति नहीं है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी बन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन भोगेंगे नहीं, तुरंत इनको झमोर करके तोड़ मरोड़ हो जाएगा, देख लीजिएगा। तोड़ मरोड़ आप लोग करेंगे, कोई प्लानिंग किए हैं का? ये जनता करेगी ना, और इनसे इनका विधायक खुद खुश नहीं है, गलत कितना परफॉर्मेंस खराब किए लोग, तो सारा तो आपका दिल ब्रेक हो गया। अभी तो दिल ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हो गया? लालू यादव का दिल ब्रेक होगा तो हाँ, आपका दिल ब्रेक नहीं हो रहा है, पर हमें ब्रेक जरूर लेना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। देखिए, हर एक रंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो यहाँ पर कला के रूप में ही देखने को मिले। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।